नमस्कार, मैं अरुण श्री भीमा। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। जिला अस्पताल का कारनामा हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस न मिलने से परेशान पेशेंट मरीज ठेले पे जा रहा है। ये बताते चले कि इनको कुत्ता का काट लिया था। कुत्ता का इंजेक्शन लगाने के लिए एम्बुलेंस से तो जिला अस्पताल आए और बाकायदे इंजेक्शन भी लगा, मगर इन्हें वापस जाने के लिए कोई व्यवस्था न होने के चलते यह ठेले पे इनको इनके परिजन लेके जा रहे हैं। ये पूरी वाकया दिखा रहे हैं मऊ के जिला अस्पताल की कारस्थानी का। जिला अस्पताल मऊ जिला अस्पताल की कारस्थानी, ठेले पे मरीज। जी हम बताते चलें कि इनकी कोई सवारी न, लॉकडाउन होने के चलते कोई सवारी न मिलने के चलते ये ठेले पे मरीज को लेके जाया जा रहा है। ये देखिए, जिला अस्पताल की कारस्थानी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा सकी है जिला अस्पताल, तो ठेले पर ही किसी तरह से इन्हें इनके परिजन लेके जा रहे हैं घर पे। इनको कुत्ता काटा हुआ था, इंजेक्शन तो लग गया, एक तरफ एम्बुलेंस भी तो आ गई, लेकिन दूसरे तरफ से कोई व्यवस्था न होने के चलते ये ठेले पे इनको लेके जाया जा रहा है। ये पूरा परिजन इनको ठेले पे लेके जा रहे हैं। ये और ये दिखा रहे हैं हम मऊ जिला अस्पताल की कारस्थानी, और ये दिखाइए पूरी तरह से किस तरह से मानवता शर्मसार होती जा रही है। पूरी वाक्या दिखा रहे हैं मऊ का। एक ही तरफ से एम्बुलेंस वाला बोल रहे थे कि हमारा बस एक ही तरफ का काम है और दूसरे तरफ का आपका, आप अपना साधन लेकर आइए। तो हम लोग अपना साधन लेकर आए हैं। क्या हुआ इनको? कुत्ता काटा है। आप टाली पे लेके जा रहे हैं अपने साधन से? कोई व्यवस्था नहीं है? एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? नहीं, एक तरफ से मिली थी, एक तरफ से नहीं मिली। एक तरफ से वो बोल रहे हैं कि एक तरफ से आपका जिम्मेदारी है। दवा भी नहीं मिला है? दवा एक नहीं मिला है। प्राइवेट में। कौन है ये आपके? क्या है? भाई है, ये पति है इनका। क्या नाम है इनका? राम सरी। दवा क्या अस्पताल से मिली या बाहर? बाहर से। नमस्कार भाई और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज पे स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं हूं रोशनी शर्मा, मैं तहलका न्यूज़ की तरफ से बोल रही हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तहलका न्यूज़, धन्यवाद।